दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम आए हैं सोमानी हुंडई अक्लूज और रिव्यू करने वाले हैं हुंडई i20 कार का। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले इस कार के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइजेस, कलर ऑप्शंस, वेरिएंट्स और परफॉर्मेंस के बारे में। हुंडई i20 के एक शोरूम प्राइस शुरू होते हैं 6.99 लाख रुपीज़ से। इस कार में आपको 12 वेरियंट्स मिलते हैं और 8 कलर ऑप्शन मिलते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप इसका एटलास व्हाइट कलर देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हुंडई i20 स्पोर्ट्स 1.2 IVT वेरिएंट का। इस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 9.38 लाख रुपीस। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कार के लाइटनिंग के बारे में। हेडलाइट्स आपको हेलोजन मिलती है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है, इसके साथ ही फॉलो मी होम हेडलैम्प का भी ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। टेल लाइट्स आपको LED मिलती है, हुंडई का लोगो बहुत ही बढ़िया लगता है, इसके साथ ही डे टाइम रनिंग लाइट्स LED मिलती है। केबिन लैम्प आपको फ्रंट में मिलता है। इस कार के लुक्स बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव है। यहाँ पर हम इसका पियोनो ब्लैक फिनिश के साथ बहुत ही बढ़िया ग्रिल देख पा रहे हैं। इसके डिजाइंस बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। इस वेरिएंट में आपको सनरूफ मूनरूफ नहीं मिलता है। रूप माउंटेड एंटीना और बॉडी कलर्ड बम्पर्स आपको इस कार में मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस कार के सस्पेंशन, ब्रेक, स्टेयरिंग और टायर्स के बारे में। फ्रंट और रियर व्हील स्टील रिम्स के साथ आते हैं। फ्रंट और रियर टायर की साइज है 195/55 R16 की। यहाँ पर हम इसकी साइज देख रहे हैं। आपको फ्रंट में मिलता है मैकपर्सन स्ट्रक्ट सस्पेंशन, रियर में मिलता है कपल टॉर्शन बीम एक्सल सस्पेंशन। यहाँ पर आपको एटो की बैचिंग मिलती है। आउटसाइड रियर व्यू माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ORVM आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। डोर हैंडल्स भी इसके साथ ही बॉडी कलर्ड मिलते हैं। फ्रंट में आपको मिलता है डिस्क ब्रेक, रियर में आपको मिलता है ड्रम ब्रेक। इस कार में आपको पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलती है। यहाँ पर हम इसके रियर लुक्स देख पा रहे हैं। रियर लुक्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं। यहाँ पर हम इस वेरिएंट का शार्फिन माउंटेड एंटीना देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव लगता है। रियर डिफॉगर आपको इस कार में मिलता है। स्टॉप लैंप हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर नहीं मिलता है। हुंडई का लोगो, क्रोम फिनिश, i20 की बैजिंग, स्पोर्ट्स की बैजिंग बहुत ही बढ़िया लगती है। टेल लाइट्स LED के साथ आती है जो कि बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर हम इसकी पूरे रियर लुक्स देख पा रहे हैं। रिफ्लेक्टर आपको नीचे मिलते हैं। यहाँ पर हम इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं। इस कार में आपको मिलता है 170 mm का बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया माना जाता है। आपको इस कार में 5 डोर्स मिलते हैं। सीटिंग कैपेसिटी इसकी 5 लोगों की है। नंबर ऑफ सीटिंग रोज आपको इसमें 2 मिलते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर्स की मिलती है। यहाँ पर हम इसके पूरे रियर लुक्स देख पा रहे हैं। अभी हम इसके बूट स्पेस की ओर चलने वाले हैं। आपको इस वेरिएंट में मिलता है 311 लीटर्स का बूट स्पेस, लॉकिंग की अरेंजमेंट, डोर हैंडल। यहाँ पर हम इसका पूरा बूट स्पेस देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस आपको मिलता है। वार्निंग ट्रायंगल्स, ग्लॉसरी बैग्स हैंग करने के लिए आपको बोथ साइड को हुक्स मिलते हैं जो कि बहुत काम आते हैं। अभी हम इसका स्पेयर व्हील देख रहे हैं। स्पेयर व्हील आपको स्टील रिम के साथ मिलेगा। इसका साइज थोड़ा कम है। 185/65 R16 का स्पेयर व्हील आपको इसमें मिलता है। यहाँ पर हम लॉकिंग की अरेंजमेंट देख पा रहे हैं। इस कार की लेंथ है 3.995 मीटर्स की, विड्थ है 1.75 मीटर्स की, हाइट है 1.505 मीटर्स की और इसका व्हील बेस है 2.580 mm का। यहाँ पर हम इसका पूरा रियर लुक देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। हम यहाँ पर इस कार की पूरी एरोडायनामिक प्रोफाइल देख पा रहे हैं। एरोडायनामिक प्रोफाइल एयर रेजिस्टेंस कम करने के लिए हेल्प करती है। अभी हम चलने वाले हैं इस कार के इंटीरियर की ओर। यहाँ पर हम इसके डोर की डिज़ाइन देख पा रहे हैं। इस कार में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और रिट्रेसेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर। इसके साथ ही विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। लॉक अनलॉक का बटन, ये रहे विंडोज के कंट्रोल। डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में मिलता है। नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। डैशबोर्ड की डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल मिलता है। ट्रिप मीटर्स 2 मिलते हैं। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू MT आपको इस कार में मिलता है। क्लॉक आपको डिजिटल मिलती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर हजार वार्निंग, एडजस्टेबल ब्राइटनेस कस्टर, गियर इंडिकेटर आपको इस कार में मिलता है। इसके साथ ही टैकोमीटर डिजिटल मिलता है। यहाँ पर हम इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले देख पा रहे हैं। आपको इस कार में मिलता है 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले जो आता है एंड्रॉयड ऐटो और एप्पल कारप्ले के साथ। इस कार में इंटीग्रेटेड इंडेस म्यूजिक सिस्टम मिलती है 6 स्पीकर्स के साथ। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। यहाँ पर हम इसके रियर पार्किंग कैमरा की फंक्शनिंग देख पा रहे हैं। पार्किंग असिस्टेंस के लिए आपको रियर पार्किंग कैमरा विद गाइडेंस मिलता है। इसके साथ ही रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। इसके साथ ही आपको इस कार में ब्लूटूथ कॉम्पैटिबिलिटी, ऑक्सिलरी कॉम्पैटिबिलिटी, AM/FM रेडियो और USB कॉम्पैटिबिलिटी मिलती है। वायरलेस चार्जर आपको इस कार में नहीं मिलता। AC वेंट्स, AC के कंट्रोल्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं।
यहाँ पर आपको सी टाइप 12 वोल्ट और यूएसबी टाइप चार्जिंग सॉकेट मिलता है। मोबाइल रखने के लिए जगह मिलती है, वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है। यहाँ पर हम इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम देख पा रहे हैं। ट्विन कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है, पार्किंग ब्रेक्स, इसके साथ ही ड्राइवर आर्मरेस्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। इसके साथ ही उसमें आपको स्टोरेज भी मिलता है। रियर में आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पर हम इसके एसी वेंट्स देख पा रहे हैं। इस कार के डिजाइन बहुत ही प्रीमियम है। ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर आपको टिकट होल्डर मिलता है। इंटरनल रियर व्यू मिरर आपको नॉर्मल मिलता है। सनग्लास होल्डर्स, केबिन लैंप्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। केबिन लैंप्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इस कार के सीट्स फैब्रिक्स के बने हुए हैं। यहाँ पर हम इसका ग्लू बॉक्स देख रहे हैं। इस कार की फिट और फिनिश बहुत ही बढ़िया लगती है। डोर की डिज़ाइन, डोर हैंडल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। को पैसेंजर साइड सनवाइजर के ऊपर आपको वैनिटी मिरर मिलता है, ग्रैब हैंडल। यहाँ पर आपको विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं, बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ लोडेड ये कार आती है। इस कार के डिजाइन बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव है। यहाँ पर हम इसका पूरा डैशबोर्ड देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी हम इस कार के रियर सीट्स देख रहे हैं। सीट्स इसके फैब्रिक्स के बने हुए हैं। रियर सीट रो एडजस्टमेंट आपको 2-way मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट आपको 8-way मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट आपको 6-way मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। अभी हम चलने वाले हैं इस कार के रियर सीट्स की और वहाँ पर देखेंगे कि आपको कितना स्पेस मिलता है, कंफर्ट आपको कितना मिलता है। इस कार के सीट्स फैब्रिक्स के बने हुए हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज आपको मिलता है। रियर पैसेंजर टाइप सीट आपको बेंच वाला मिलता है। इंटीरियर आपको ड्यूल टोन में मिलता है। यहाँ पर हम इसके डोर की डिज़ाइन, डोर हैंडल, नीचे बॉर्डर होल्डर के लिए जगह आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हम इसका पूरा डैशबोर्ड देख पा रहे हैं। डैशबोर्ड की डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। रियर सीट्स हम फुल्ली फोल्ड कर सकते हैं। रियर रीडिंग लैम्प की डिज़ाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं। हेडरेस्ट आपको फ्रंट और रियर में मिलता है, ग्रैब हैंडल। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स आपको इस कार में मिलते हैं। डोर की डिज़ाइन यहाँ पर हम इसके रियर सीट्स देख रहे हैं। पार्सल ट्रे की डिज़ाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं। सीट बेल्ट एंकर पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर हम फिर से इसके डैशबोर्ड की डिज़ाइन देख रहे हैं। इस कार में आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है। रियर एसी वेंट्स, यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए जगह, यूएसबी टाइप चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है। इस कार की सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। बहुत सारा लेगरूम आपको यहाँ पर मिलता है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स भी आपको इस कार में मिलते हैं। ये कार बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ लोडेड आती है। अब हम बात करेंगे इस कार के स्टोरेज के बारे में। क्रॉप होल्डर्स आपको सिर्फ फ्रंट में मिलते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज आपको इसमें मिलता है। कूलर ग्लू बॉक्स आपको इस कार में मिलता है। इसके साथ ही सनग्लास होल्डर भी आपको इस कार में मिलता है। अब हम बात करेंगे इस कार के लॉक्स और सिक्योरिटी के बारे में। इंजन इमोबिलाइजर आपको इस कार में मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग रिमोट मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको इस कार में मिलता है। यहाँ पर हम इसके डोर के डिज़ाइन फिर से देख रहे हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। अब हम चलने वाले हैं इस कार के इंजन और ट्रांसमिशन की ओर। हम यहाँ पर इसका डैशबोर्ड देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बोनेट ओपन करने के लिए लीवर मिलता है। हेडलाइट हेड एडजस्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। इस कार की सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ लोडेड यह कार आती है। यह कार आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम बात करने वाले हैं इस कार के ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बारे में। इस कार में आपको ABS यानी एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलती है। ब्रेक असिस्टेंस नहीं मिलता है। ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम आपको इसमें मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आपको इस कार में मिलती है। यहाँ पर हम इसके पूरे फ्रंट लुक्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। अभी हम इस कार का बोनेट ओपन करने वाले हैं और चलने वाले हैं इंजन और ट्रांसमिशन की ओर। आपको इस कार में मिलता है 1197 cc का 4-सिलेंडर इनलाइन 4-वाल इंजन। इस इंजन को 1.2i कप्पा इंजन बोलते हैं। इसमें हम पेट्रोल फ्यूल यूज़ करेंगे। वाइपर वाटर फिल करने की जगह हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ब्रेक ऑयल टैंक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। पूरा इंजन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। लॉक अनलॉक के अरेंजमेंट, रेडिएटर, बैटरी की पोजिशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कूलन टैंक मिलता है। यह पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 87 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 114.7 न्यूटन मीटर का। इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है। ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक CVT विद CVT गियर्स, मैनुअल ओवरराइड मिलता है। इमिशन स्टैंडर्ड इस कार के BS6 फेज 2 के अनुसार है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी के बारे में। इस कार में आपको ओवरस्पीड वार्निंग मिलती है। इमरजेंसी ब्रेक लाइट आपको इसमें फ्लैशिंग मिलती है। इसके साथ ही ये कार आती है 3-star ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ। इस कार में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ड्राइवर, फ्रंट पैसेंजर, 2 कर्टन्स ड्राइवर साइड, फ्रंट पैसेंजर साइड।
रियर में 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको इस कार में मिलता है। TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इस कार में मिलती है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। सीट बेल्ट वार्निंग भी आपको इसमें मिलती है। अब हम बात करेंगे इस कार के कंफर्ट और कन्वीनियंस की। एयर कंडीशनर आपको ऑटोमेटिक मिलता है, रियर AC मिलता है, हीटर मिलता है, वैनिटी मिरर और सनविजर को ड्राइवर को सिर्फ मिलता है, एंटी ग्लेयर मिरर आपको मैनुअल इंटरनल मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडेंस आपको पार्किंग सेंसर्स के साथ मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन का रिमाइंडर भी आपको इस कार में मिलता है, कीले स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इस कार में नहीं मिलता है, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिलती है। अब हम बात करेंगे इस कार के मैन्युफैक्चरर वारंटी की। आपको इस कार में 3 साल की 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। इस वेरिएंट में ORVM आपको बॉडी कलर मिलते हैं, स्क्रब प्लेट्स नहीं मिलते हैं, पावर विंडोज फ्रंट और रियर मिलते हैं, 1 टच डाउन का ऑप्शन ड्राइवर के लिए मिलता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और रिट्रेसेबल ORVM मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। रियर डिफॉगर आपको इस कार में मिलता है, रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कलर मिलते हैं, इसके साथ ही आपको इंटीरियर डोर हैंडल ब्लैक कलर में मिलते हैं, डोर पॉकेट्स आपको फ्रंट और रियर में मिलती है, बूट लीड ओपनर इलेक्ट्रिक टेलीगेट रिलीज के साथ मिलता है। यहाँ पर हम इसकी पूरी साइड प्रोफाइल देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश एट्रैक्टिव लगती है। हुंडई का लोगो ब्लैक पियानो फिनिश के साथ ग्रिल बहुत ही बढ़िया लगता है। इस कार का एक्सटीरियर और शार्प डिजाइन बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके साथ ही न्यू लाइटनिंग सिस्टम और हुंडई का सेल्स सर्विस स्पेयर्स नेटवर्क और रिसेल वैल्यू बहुत ही बढ़िया है। आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर दीपक फुलारी सर, मैनेजर ऑफ सोमानी हुंडई अक्लूज, ऑल द स्टाफ ऑफ सोमानी हुंडई अक्लूज एंड सोमानी हुंडई ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोमानी हुंडई अक्लूज का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की हुंडई कार खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।